प्राचीन काल में बनी कलाकृतियां हमेशा से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही हैं। छतरपुर जिले में जिस तरह खजुराहो में बने चंदेलकालीन मंदिरों पर विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है, जिसने विश्व स्तर पर हमारे देश की महिमा का गुणगान किया जाता है, वहीं छतरपुर जिले की चंदला तहसील के अंदर आने वाले छोटे से गांव बंजारी में देश के अमूल धरोहर को खंडहर में तब्दील होते देख ग्रामीणों ने चिंता जताई है। बता दें कि 13वीं शताब्दी में बने शिव मंदिर की महिमा आज भी ग्रामीणों के मुख से सुनी जा सकती है। ग्रामीण इस स्थान को मठ बाबा के नाम से पुकारते हैं। ये बरसों पुराना है मंदिर, हमारे बुजुर्ग लोग बताते रहे, जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम देखते चले आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग आए हैं देखने और बाहरी भी आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं, पर यहाँ गांव के ना होने के दूर के कारण कम आते हैं लोग। मेरे घर के पास 2012 में ख़त्म हो गए थे, जब से फिर लड़कन में कुछ छांट फटकार से होते हैं इसलिए परेशानी पड़ती। यहाँ की मैंने खबर पाई, मेरी भांजी मेरे नंद आई रही, उन्होंने बताओ रहो, तो उनके लड़का की मोड़ने में आई, मैं यहाँ पर फिराद डार गई। फिराद डारे के बाद फिर मैं अपने आते जाती रही, मेरे सब कुछ कंट्रोल है, अगले बड़ा लड़का भी है, आज उसकी पूजा हो जाएगी वही अच्छा हो जाएगा। गांव में रहने वाले बुजुर्गों ने चर्चा के दौरान बताया कि इस मंदिर का निर्माण कई सौ साल पुराना है और जब से यहां पर इसकी जानकारी है इस मंदिर की स्थिति यूं ही देखी जा रही है। कुछ समय पहले इस मंदिर की जानकारी पुरातत्व विभाग को लगी, जिन्होंने यहां आकर कुछ साफ सफाई और रखरखाव का कार्य प्रारंभ किया, मगर एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि पुरातत्व विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए और यहाँ से जाना उचित समझा। इसके बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुरातत्व विभाग लौट कर नहीं आया। ये मंदिर का हम सुन रहे हैं कि अयोध्या के राजा रहु का मंदिर का निर्माण कराया हुआ है। भारत में दो ही मंदिर हैं, एक भोपाल तरफ है, एक ये है। इसी को सूर्य मंदिर कहते हैं, इसी को शिव मंदिर कहते हैं, और शंकर जी का विवाह वर्णन दोनों चौकटों में ऊपर लिखा हुआ है। शंकर जी की बड़ी भारी प्रतिमा है वहाँ अंदर, जो कि कुछ लोग बागों ने फोड़ डाली थी कुछ प्रतिमा, अब पूरी प्रतिमा नहीं है, आधी है, जलहरी शंकर जी की पूरी प्रतिमा है। हाँ, पुरातत्व विभाग ने काम कराया था तो एक सर्प निकला था, उसके त्रिशूल का चिन्ह था मस्तक पे। जब उन्होंने बताया तो उससे कहा कि भाई उनसे विनय करो, उससे सर्प से विनय की, सर्प हट गया, पुरातत्व विभाग निर्माण हुआ। कुछ वो जो है पा गए हों, कुछ भी हो गया हो तो उनका नुकसान होने लगा था, तो वो भाग गए थे। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों और शिलाओं से किया गया है। जानकारों ने बताया कि इस मंदिर की दीवार पर शिव विवाह अंकित किया गया है तथा मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा अंकित की गई है, जिससे इस मंदिर को शिव परिवार से जोड़ा जा सकता है। किंतु इस मंदिर के गर्भगृह में सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित है, इस कारण से यह सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, कितने वर्ष पुराना है जानकारी? ये जानकारी है, हमने ऐसे ही देखा आज अपनी साल में। अच्छा, जितनी आपकी उम्र है? हाँ, उसे उसे पहले का बना है। तो क्या इसमें जो रख रखाव है, जो उसमें कोई रख रखाव नहीं रहो? जी, देखा कोई रख रखाव नहीं रहो, वो तो पुरातत्व वाले जब से आए निर्माण करो है इनको, तब से आया बाहर। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि इस शासकीय धरोहर का पुनः जीर्णोद्धार कर इसे दर्शनीय स्थल बनाया जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक दर्शनीय स्थल बन सके, जिससे गाँव और देश के विकास में सहयोग मिल सके। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हर सोमवार को दरबार सजाया जाता है और उस दरबार में भूत प्रेत और कठिन बीमारी से ग्रसित लोगों पर भगवान की विशेष अनुकंपा रहती है। यहाँ सच्चे भाव से आने वाले लोगों का ठीक और सटीक उपचार होता है। लगातार आने वाले श्रद्धालुओं ने इस बात को स्वीकारा भी है। मेला तो अभी कोई नहीं वहाँ पर लगता है, सोमवार को मेला लगता है जो यात्री लोग आते हैं जी। और कोई मेला नहीं है यात्रियों का, है उस मेले का क्या? उस मेले में आने जो है बाल बच्चे सभी ठीक होते हैं अच्छी तरह से, मतलब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, की जाती है जी। आपको जानकारी है ये मंदिर कब से है? हाँ, हम आए देखा था, इसे बनो रहो, बनो रहो। अच्छा, तो इस किस नाम से इस मंदिर को जाना जाता है? सूर्य भगवान कहा थे, सूर्य भगवान का मंदिर है जी। तो यहाँ पर क्या कैसी मान्यता है, लोग पूजा करने आते हैं या किसी एक विशेष दिन में आते हैं पूजा करने? अठवारा मावत से आदमी दूरी दूरी के एंगर होके, तो देखे लड़का बच्चा ना हो, बिटिया हो तो लड़का हो जाते, कौन के दर्द है हुआ थे तो ठीक हो जाते। किस दिन आते हैं लोग? सोमवार को। सोमवार को, हर सोमवार को? हर सोमवार, हर सोमवार। कितने